राजस्थान की राजनीति में फिर आया उबाल। विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर राज्यसभा चुनाव के पूर्व जिस तरह की राजनीति गर्मा रही थी राजस्थान की, फिर उसी तरह गर्माने लगी है राजस्थान की राजनीति। विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर जिस तरह की कवायदें हुई और जो बातें सामने आई, जिस तरह की कॉल डिटेल को एसओजी ने जांचा, उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजस्थान के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। क्या कहा मुख्यमंत्री ने, आप भी देखें हमारे साथ ये खास खबर। मीडिया में मैंने जितने इंटरव्यू दिए या आपको दिए, मैंने कभी नहीं कहा इनके बारे में। मैंने हमेशा कहा नहीं, हम सब साथ मिलकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। परंतु बीजेपी के नेताओं ने तो मानवता और इंसानियत की सारी हदें पार तोड़ दी है। क्यों, एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। मुझे एवं मेरे साथियों को, मेरे मंत्रिमंडल के साथी है, विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारा ध्यान पूरी तरह कोरोना की जंग में होना चाहिए और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। रोज हम रिव्यू मीटिंग करते हैं, वीसी करते हैं, पूरे राजस्थान के हर वर्ग से हमने वीसी करी है। और ये लोग सरकार कैसे घिरे, किस प्रकार से तोड़फोड़ करे, खरीद फरोख्त करे, ये तमाम काम में लगे हुए हैं। मैंने देखा बीजेपी के नेताओं को, वैसे वाजपेयी जी भी प्राइम मिनिस्टर बने थे तब ऐसी बात नहीं थी, अब जो 14 के बाद देख रहा हूं कि इतना अहम घमंड आ गया है, अहंकार है, ये खुल के सामने आ गए देश के सामने, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। फासिस्ट इनकी सोच है, विभिन्न प्रदेशों के अंदर आपने नमूने देखे होंगे किस प्रकार से इन्होंने, जब जब इनका मौका लगा, चाहे वो गोवा या मणिपुर हो, वहां पे सरकार ने बना दी कांग्रेस की, अरुणाचल प्रदेश में हमारे विधायकों की संख्या 42-60 में से सारे विधायकों को उन्होंने खरीद लिया और सरकार बदलवा दी वहां पर। एक तो एक चीफ मिनिस्टर को सुसाइड करना पड़ा इन लोगों के कारण से। उत्तराखंड में हम देखा होगा किस प्रकार से लालच देकर के बीच में ले आए गए लोगों को। और आज वहां उत्तराखंड में जो सरकार है, 5 मंत्री जो है वो है जो कांग्रेस से गए वहां पर। और महाराष्ट्र में तो कमाल ही हो गया, जब सरकार बनी मेजोरिटी नहीं थी तब भी सुबह सुबह शपथ दिला दी गई और मोदी जी ने भी सुबह 7 बजे शपथ लेती ट्वीट कर दिया बधाई का। और हमारे वो फर्नांडिस साहब, क्या नाम उनका, देवेंद्र देवेंद्र जी, उन्होंने जो है वापस ट्वीट किया, जवाब दिया मोदी है तो मुमकिन है। तो आप सोच सकते हो इस रूप में इन्होंने तमाम जो कर रहे थे इसके अंदर। कर्नाटक में भी ऐसे हुआ, मेजोरिटी नहीं थी, शपथ दिला दी येदियुरप्पा जी को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वापस सरकार इस्तीफा देना पड़ा, पर चूके नहीं वो लोग, वहां भी वापिस खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई गई।
साथ। मध्य प्रदेश में सबको मालूम है किससे कहने क्या क्या हुए। इनकी सोच दर्शाती है जो कांग्रेस का 5 साल तक राधा कृष्ण विखे पाटिल नेता प्रतिपक्ष थे, वो 19 के अंदर चुनाव के 2 महीने पहले उनको शामिल करवा दिया बीजेपी के अंदर और मंत्री बना दिया, जो 5 साल विपक्ष का नेता रहा है। मैं उम्मीद करता हूं गुलाब सिंह कटारिया की ये सोचनी होगी, वो आरएसएस के काठी नेता है, बीजेपी के मशीनी नेता है और ना उनको लेने वाले हैं। गुलाब सिंह कटारिया की तरह के लोगों की कांग्रेस में जगह नहीं है। ये सतीश पूनिया जी हो, राजेंद्र राठौड़ जी हो, ये जिस प्रकार का खेल खेल रहे हैं राजस्थान के अंदर सरकार को गिराने के लिए अपने केंद्रीय नेताओं के इशारे पर, ये तमाम बातें जनता के सामने आ चुकी है, जनता समझ गई है। और किस प्रकार से ये कभी एडवांस में लो 10 करोड़ रुपए, सरकार गिर जाएगी तो फिर आपको देंगे 15 करोड़ रुपए, पता नहीं क्या क्या ये बातें फैला रहे हैं, वादे कर रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता। कोई बहुत करीबी है तो कहेंगे कि आपको तो आपके लिए एक्स्ट्रा ध्यान रख लेंगे, इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा मदद कर देंगे। तो जिस प्रदेश में आर्थ की परंपरा कभी नहीं रही, आर्थ की परंपरा में कभी मैंने देखा नहीं कि राजस्थान में जैसे अन्य प्रदेशों में ऑस्टेरिटी हुई है, वैसी हमारे यहाँ कभी नहीं हुई। बीएसपी को हमने किया, जब कभी कमेंट करते हैं लोग बीएसपी को आपने मिलाया, तो बीएसपी पूरी मर्द हुई हमारे यहाँ पर, कोई ऑस्टेरिटी नहीं हुई। कानून कहता 2/3 बहुमत है किसी पार्टी का, अगर वो अलग होना चाहता है तो हो सकता है। तो जिस रूप में इन्होंने जो खेल खेला है और खेल खेल रहे हैं वो सबके सामने है, और इसीलिए एक माहौल ऐसा बनाया गया है राजस्थान के अंदर भी कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर घटनाएं हुई है उसी प्रकार से राजस्थान में कहीं खेल खेले, क्योंकि राजस्थान भी बचा हुआ रहा आज तक, अच्छी परंपरा रही है, सरकारें बदलती रहती है, कांग्रेस की आ जाए फिर बीजेपी की आ जाए, तो जनता का आदेश शिरोधारी होता है हमारी दृष्टि के अंदर। हमारे यहां कभी भी विधायकों ने इस्तीफे नहीं दिए। आप अपने आप को जैसे बकरा मंडी होती है, उस ढंग से बकरा मंडी में जो बकरे बिकते हैं उस ढंग से आप खरीद करके आप राजनीति करना चाहते हो, ये इनकी इनकी बेशर्माई की हद है। ये इतने बेशरम लोग हैं, इतने तिकड़मी लोग हैं ये लोग कि गुजरात के अंदर 7 विधायकों को खरीद लिया इन्होंने और 2 सीटें जीत गए, उसी में गर्व महसूस करते हैं। राजस्थान में हमने इनकी चाल चलने नहीं दी, और जो हमारे पास जितने कांग्रेस के या समर्थन करने वाली पार्टियां थी सबके सहयोग से हमने पूरे वोट लिए, 2 सीटें हमने जीती है। इनको सबक सिखाया, पर मानने वाले कहाँ हैं? ये तिकर्मी लोग हैं, बेशरम लोग हैं, इसलिए ये तो वापिस अपने असली चेहरे पे आ रहे हैं। साल में कांग्रेस के नेताओं ने इस देश को, इस देश के लोकतंत्र को बचाए रखा है। चाहे इंदिरा गांधी चुनाव हार गई हो, 1 सेकंड लगाया मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी, राजीव गांधी कामयाब नहीं हो पाए, वीपी सिंह जी को सत्ता सौंप दी गई, ये लंबा इतिहास बना रहा है देश के अंदर। ये लोग वो हैं जो आज लोकतंत्र को जिस रूप में ये लोग
हत्या कर रहे हैं, जिस रूप में डरा रखा, धमका रखा पूरे मुल्क के अंदर लोगों को, बोलने से कतराते हैं, टेलीफोन पे बात नहीं कर पाते, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, ये जो हालात बने हैं देश के अंदर ऐसे पहले कभी नहीं था। खुल के बात लोग बोलते थे, अब तो लोग बात करते चमकते हैं। इसी रूप में आज एजेंसियों का मिस यूज कर रहे हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, मेरा मानना है कि ये या कुछ भी कर ले, जनता का रॉबस्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी देश के अंदर है। उन्होंने जब जब मौका लगा है तो सत्ता का तख्ता पलटने में देरी नहीं करी है, ये गवाह है देश। इंदिरा गांधी जी के पक्ष में देख रहा हूं, वो इंदिरा गांधी जी 2.5 साल में वापस आंधी चली, वापस प्रधानमंत्री बन गई 40 साल पहले। इसलिए आज जो इनको घमंड अहम है, मोदी जी को, अमित शाह जी को, देश की जनता चकना चूर कर देगी उनके घमंड को टाइम आने पर। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, या हमारे कांग्रेस नेता सवाल उठाते हैं, जो विपक्ष का धर्म होता है उसका जवाब देने में आप देखते हो कभी जवाब नहीं दे पाते हैं, और उल्टा उनके ऊपर अटैक करने के लिए अपने मंत्रिमंडल के लोग उतारते हैं बिना आर्गुमेंट के, बिना तथ्यों के, इतने घबराए हुए भी हैं। कांग्रेस के नाम से ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अभी कांग्रेस के नाम से डरते हैं। रास्ता में सरकार स्थिर है, स्थिर रहेगी, पांडा चलेगी, और अगले चुनाव जीतने की तैयारी हमने लग गए हैं। राजस्थान सरकार अगले चुनाव जीतने की तैयारी में लग गई है, उसी ढंग से हमने बजट पेश किए हैं, उसी ढंग से हम गवर्नेंस दे रहे हैं, शासन दे रहे हैं, उसी ढंग से हम लोग इस संकट की घड़ी के अंदर भी, चाहे कोरोना हो, लॉकडाउन हो, उसके बावजूद भी जो हमारा प्रयास है, जिस प्रकार से मैंने कहा जीवन बचाएं, आजीविका बचाएं, और पूरे राजस्थान की जनता ने हमारा संपर्क है विषय के माध्यम से, हर वर्ग से संपर्क कर रहे हैं, और मुझे कहते खुशी है कि लोगों ने जो कोरोना के मैनेजमेंट को देखा है, पूरे प्रदेश के लोगों को गर्व इस बात का है कि राजस्थान की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही, राजस्थान के मैनेजमेंट की चर्चा पूरे मुल्क में होना, ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं खाली, राजस्थान प्रदेश वासियों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि सबने मिलकर लड़ाई को लड़ा है। उस माहौल में सरकार गिराने का प्रयत्न करना, इसको यहाँ की जनता कभी माफ नहीं करेगी, सबक सिखाएगी। राजस्थान चुनाव के पहले जो माहौल था उससे बड़ा माहौल बनाया गया है, अभी से बड़ा अवसर नहीं होने की बात सामने आ रही है, बड़ा बड़े रूप में ऑर्गेनाइज से आ रही है। और नंबर दो, जो आपने कहा कि जा सकते हैं ये विधायक, ये तो आप अगर उनको पूछेंगे जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा, उनको मालूम है कौन जा सकते हैं। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ के विधायक जो है वो खुददारी रखते हैं, वो राजस्थान की जो मान परंपराएं हैं यहाँ की जनता समझती है, आज तक निभाती आई है, वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, और पराक्रम और शौर्य की धरती है, इतिहास रखती है राजस्थान। इसीलिए यहाँ हॉस्टेडिंग नहीं होती है,
गुजरात में होती है, महात्मा गांधी का प्रदेश है। दुर्भाग्य से महात्मा गांधी का प्रदेश जहाँ है वहां हॉस्टेडी हो रही है, राजस्थान में आज तक नहीं हुई है। अब अगर कोई गद्दार निकलता है जो पार्टी के नाम जीत के आए हैं, पार्टी ने उनको पहचान दी है, पार्टी ने बड़े बड़े पद दिए हैं, MLA बना दिया, MP बना दिया, मंत्री बना दिया, सब कुछ कर दिया, अब अगर हम गद्दारी करते हैं तो राजस्थान की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। मनोज माथुर जी, जी न्यूज से। तुमने छिने लिए, तीनों लोग पदों पर बैठे हुए हैं बीजेपी के, इनके जो आका है दिल्ली के अंदर, जिनकी आलोचना मैं हमेशा करता रहता हूं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो और चाहे अमित शाह जी हो, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे राजस्थान सरकार में, मुझे भी नहीं कर पा रहे, मेरी सरकार को नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उनका टारगेट जो है उसको पूरा करने में इन तीनों में कंपटीशन है। हम अपने नंबर कैसे बढ़ाएं,